हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हम में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो पहली बार जिन्होंने इग्नू में एडमिशन लिया होगा और फर्स्ट टाइम अपना असाइनमेंट दे रहे होंगे, तो आखिर उनके मन में बहुत से सवाल आते हैं इग्नू असाइनमेंट को लेकर कि आखिर हमें असाइनमेंट किस प्रकार से बनाना है। तो इस वीडियो में मैं कुछ उन्हीं सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो अक्सर आपके मन में आते हैं कि आखिर हमें कौन से शीट्स यूज़ करनी है, क्वेश्चंस लिखने हैं या नहीं, और कितने पेज में हमें एक आंसर को जो है कंफर्म करना है, उत्तर हम एक अच्छा उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं, और इसके अलावा कौन सी फाइल यूज़ करनी है। तो और भी बहुत से क्वेश्चंस जो हैं हमारे मन में आते हैं कि आखिर इग्नू के असाइनमेंट किस प्रकार से बनाए जाते हैं। अगर आप भी इग्नू असाइनमेंट को लेकर अगर परेशान हैं और आपने अभी तक अपना असाइनमेंट नहीं बनाया है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं असाइनमेंट के लिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो अगर हम सबसे पहले अगर बात करें शीट की कि असाइनमेंट लिखते वक्त हमें किस प्रकार के शीट का यूज़ करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप A4 साइज का शीट जो है यूज़ करें। इसमें इग्नू की तरफ से कोई हिदायत नहीं दी गई है कि आप किस प्रकार का शीट यूज़ करें, A4 साइज हो या उससे छोटा हो। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें एक स्टैंडर्ड की कि आप सारे स्टूडेंट जो हैं कहीं ना कहीं BA MA जो है या मास्टर कर रहे होंगे सारे, तो एक स्टैंडर्ड के लिए आपको A4 साइज़ शीट यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इससे छोटी जो शीट्स होती थी वो हम अपने स्कूल टाइम में करते आ रहे हैं। तो आप दोनों ही शीट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा आप अगर A4 साइज़ शीट का यूज़ करें। अब हम बात करते हैं कि हमें क्वेश्चंस लिखने होते हैं या नहीं। इग्नू असाइनमेंट जब आप अपना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले जो है उसमें आपको एक क्वेश्चंस पेपर भी लगाना होता है। तो क्वेश्चन पेपर तो हमने लगा दिया, लेकिन इसके अलावा क्या हमें क्वेश्चन लिखना चाहिए? तो मेरा जवाब है दोस्तों कि यदि हम क्वेश्चन लिखते हैं तो इससे जो एग्जामिनर होता है, जिसको पेपर चेक करना होता है, उसके लिए ईजी हो जाता है। तो अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि कितने पेज में एक आंसर को हमें लिखना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चंस किस प्रकार का है या आप किस कोर्स से हैं। अगर मैं एक MA का एग्जांपल देके बताऊं, जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो उनको अपना एक आंसर कंप्लीट करने में मिनिमम जो है 5 पेज लगना चाहिए। 5 पेजों में आपको एक आंसर कंप्लीट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखे और फाइल कैसा लेना चाहिए। तो अच्छे उत्तर से पहले मैं आपको फ़ाइल के बारे में बता दूं कि यहाँ पे इग्नू की तरफ से किसी प्रकार की फ़ाइल के लिए नहीं कहा गया है। वहाँ जब आप अपना असाइनमेंट सबमिट करने जाते हैं, तब इग्नू की तरफ से कई बार जो है आपके कोर्स के हिसाब से वहाँ फ़ाइल मांगी जाती है। तो आप नॉर्मल साधारण फ़ाइल जो 10 रुपये की प्लास्टिक वाली आती है, उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मली उसको स्टेपलर करके और टैग के द्वारा बांध के भी अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। मैं जब इग्नू में था तो मैं आपको बताऊं, मैंने टैग के द्वारा ही एक अपना असाइनमेंट सबमिट किया था। अब हम बात करते हैं कि एक अच्छा उत्तर किस प्रकार से लिखना है हमें। तो एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूँ, ये MA क्लास का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक विज्ञान के अंतर संबंधों की जाँच कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन का हमें आंसर कैसे देना है असाइनमेंट में? सबसे पहले तो दोस्तों हमें भूमिका लिखनी है, यानी कि इंट्रोडक्शन देना है, और इंट्रोडक्शन में जो आपको लिखना होता है वो पूरे आंसर का आपका एक अंश होगा, जिसमें आप एग्जामिनर को यानी एग्ज़ाम जो चेक करने वाला है आपको पहले ही बता देते हैं कि भूमिका में कि आप उस आंसर में क्या क्या बताने वाले हैं और किस प्रकार से। अगर एग्जामिनर सिर्फ इसको भी पढ़ लेता है तो उसके मन में एक आरेख आ जाता है कि किस प्रकार का आपका आंसर होगा। उसके बाद भूमिका जब आप लिख लें तो उसके बाद आप एक एक हेडिंग वाइज आप एक्सप्लेन करना शुरू करना है। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में बताना है राजनीतिक चिंतन के बारे में, तो आप राजनीतिक चिंतन की परिभाषा लिखेंगे कि आखिर राजनीतिक चिंतन क्या होता है। उसके बाद आप अगले हेडिंग पर बढ़ेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है राजनीतिक विज्ञान के बारे में, तो आप बताएंगे कि राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। जब आप इन दोनों ही शब्दों को डिफाइन कर दें, परिभाषित कर दें, उसके बाद आपको इनके जो मेन क्वेश्चन पे आना है और मेन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोनों के बीच अंतर संबंधों की जांच कीजिए। तो आप अगला हेडिंग डालेंगे राजनीतिक चिंतन तथा राजनीतिक विज्ञान के बीच संबंध।
ये हेडिंग डालने के बाद ये संबंध जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो आपको जिस प्रकार से भी आंसर में ये होगा वैसे आपको लिखना है कि आखिर इन दोनों के बीच किस प्रकार के संबंध है, क्या इनके संबंध सहयोगात्मक है या एक दूसरे के विपरीत है, तो इनको एक हेडिंग बनाकर आपको लिखना है। और आंसर के सबसे लास्ट में आपका आता है कंक्लूजन यानी निष्कर्ष कि इस आंसर के माध्यम से क्या निष्कर्ष निकल के आता है और आपने क्या अध्ययन किया और क्या पता चला इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो इस प्रकार से एक अच्छे आंसर लिखने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी आंसर को हम चार पांच भागों में डिवाइड करके लिखें, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दें, फिर जो हमसे हेडिंग्स पूछे गए हैं उनको बताएं और उसके बाद मेन क्वेश्चंस के आंसर पे आते हुए सबसे आखिरी में आप निष्कर्ष लिखें। अगर आप पॉइंट्स वाइज लिखते हैं और डायग्राम का यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होगा। अगर हम इग्नू के एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में भी ठीक इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना होता है। दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए एक वीडियो जो है एक असाइनमेंट का भी दिखा दूंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से एक असाइनमेंट बनाते हैं और कैसे उसमें आपको सारी फाइलें जो है अरेंज करनी है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।